बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी कि वंचितों को पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में लाना है, उस कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज बाबा साहब की सोच के तहत ही सभी गरीबों को निशुल्क मकान मिल रहे हैं, सबके घरों में नल से जल जा रहा है, सबको लाइट मिल रही है, बिजली मिल रही है, सबके घरों में शौचालय बन चुके हैं, 5 लाख तक के निशुल्क इलाज का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सबके घरों में शौचालय बन चुके हैं, महीने में 2 बार निशुल्क राशन मिल रहा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ की हैं। वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में सभी लोग बराबरी पर रहें, और बाबा साहब की सोच को वास्तव में किसी ने पूर्ण किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में एक रूपता आई है, उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है, वंचित पीड़ितों के जीवन स्तर को उठाने का काम यूपी गवर्नमेंट ने किया है। ऐसे अवसर पर मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, और विशेष रूप से कानपुर नगर और कानपुर महानगर, कानपुर देहात की तरफ से मैं हृदय से बाबा साहब जी के चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।